गौर से देखो मिरर में और बताओ, क्या ये सीनियर मैनेजर अजित सक्सेना की बीवी लग रही है? कम से कम परफ्यूम ही लगा लिया, टॉयलेट जैसी गंदी बदबू आ रही है। अपनी ये ढोल जैसी चक्कर ले जाकर पार्लर में ठीक क्यों नहीं करवाई तुमने? ढिंडोरा पीटना जरूरी था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती? आदित का फूटा मंगल पर गुस्सा। कौन सा काम था तुम्हें आज? सारा का सारा डेकोरेशन, सारी तैयारी तो सोम्या कर रही है। पूजा पंडित जी क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? आज के दिन तुम्हें काम ही क्या था मंगल? घर में आकर आदित ने मंगल के पहनावे और ड्रेसिंग सेंस पर उठाए सवाल। क्या है, क्या है? झाड़ू? आजकल की लड़कियों की स्टाइलिंग देखिए, उनके बाल देखे हैं, पर ये क्या है? जूड़ा है? ऐसा लग रहा है किसी ने पोथली बांध कर रख दिया। और किया मंगल को बुरी तरह से जली। ये क्या तरीका है साड़ी का? ये क्या तरीका है? कौन खोजता है साड़ी ऐसे? सुजाता आती है सुबह झाड़ू लेके टॉयलेट साफ करने के लिए, वैसी लग रही हो। गवार की गवार, क्या फर्क है तुम्हें और उसमें? कम से कम परफ्यूम ही लगा रही हो, टॉयलेट जैसी गंदी बदबू आ रही है। और अपनी ये ढोल जैसी चक्कर ले जाकर पार्लर में ठीक क्यों नहीं करवाई तुमने? ढिंडोरा पीटना जरूरी था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती? दरअसल घर में गृह प्रवेश के बाद हुई पार्टी और इसी पार्टी में हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद आदित का उतरा मंगल पर गुस्सा। रो, बस अब रोती रहो, यही आता है तुम्हें। अब रो रो कर अपना मुंह और खुला लो। क्यों नहीं गई पार्लर? अच्छा, वही ये सब सुनकर मंगल होती है शॉक और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या है। फर्स्ट टाइम तो नहीं है ये, आदित तो स्टार्टिंग से ही मंगल को बहुत सुनाता है, पर हाँ इस सीन में कुछ ज़्यादा ही सुना रहा है, बिकॉज आदित के जो नाइटमेयर था उसे वो फाइनली असलियत में बदलते हुए दिख रहा है। आज हमारा गृह प्रवेश है एंड आदित के सारे दोस्त आ रहे हैं, उसके बॉस आ रहे हैं, और इतने सालों से उसने मंगल को अपने दोस्तों से, अपने बॉस से दूर रखा था, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे लगता था कि मंगल इतनी स्मार्ट नहीं है एंड उसके दोस्त अगर देख लिया मंगल को तो उसे जज करेंगे। एंड फाइनली जब मंगल सामने आते हैं उनकी, तो बहुत ही बिखरे, पसीने में लथपथ, बाल बिखरे हुए, जेवर नहीं पहने हुए, बहुत ही अजीब कंडीशन में आती है, तो आदित को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है यार इतने सालों से उसने मंगल को दूर रखा था और फाइनली उसके दोस्त मिल रहे हैं और ऐसे कंडीशन में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं उसे रूम में ले जाकर बहुत सुनाता हूँ, इतना सुनाता हूँ कि मैं सुनाने के बाद मुझे खुद बुरा लग रहा है, मैं खुद थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया इमोशनली, बट अब सीन था तो करना था, कर दिया। देखिए अभी तो फिलहाल यही है ट्रैक कि आदित को सोम्या पसंद है और कहीं ना कहीं वो मंगल से खुश नहीं है। आगे क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, एंड इट शुड बी अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। तो आगे देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है आगे, आपको देखना होगा जानने के लिए। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जहां होता है घर का गृह प्रवेश लेकिन मंगल वहां नजर नहीं आती। सब मंगल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी उसे बुलाने जाती है। बाहर कैसे जाओ? क्या बोलेगा? ये बाहर कैसे है? जैसे आजकल की लड़कियों को देखा तूने, कितने अच्छे से रहती है ना स्टाइल में, तो स्टाइल आती नहीं। ये लगाना चाहिए क्या? हाँ, ये मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ में से कितनी मेहनत आ रही है। और जब मंगल आती है तब सौम्या आदि के साथ घर में एंट्री करना चाहती है, लेकिन मंगल ऐसा नहीं होने देती और फिर बाद में मंगल आदित्य के साथ घर में करती है गृह प्रवेश। इसके बाद भी सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब पूजा के दौरान आदित्य अचानक उठकर चला जाता है और इस बात से मंगल होती है बेहद दुखी और वो सोचती है कि आखिर कैसे आदित्य पूजा से उठकर चला गया। हमारे इंडियन फैमिलीज में बिना कलेश के कोई ना तीज त्योहार होता है ना कोई फंक्शन होता है,
कलेश होना जरूरी है तभी लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है घर में। क्यों मम्मी, क्यों अम्मा जी, क्यों अम्मा, बताओ। कलेश की बात ऐसी नहीं है, बस एक ही चिंता है कि एक्चुअली देखो मेरी कलेश अच्छे से होना चाहिए। नहीं नहीं, कल हाँ ऑडियंस को मजा, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी मंगल कहाँ है, क्योंकि ना हर बार क्या होता है, मंगल गायब, मंगल गायब, मंगल गायब, मतलब कार्ड पूजा से ये चलता आ रहा है कि हमारी प्यारी सुंदर बहुरानी कहीं गायब हो जाती है, जो द मिसेस परफेक्ट है। तो अभी मुझे टेंशन ये है कि कहाँ गई, बिकॉज मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, कि अभी कलेश का मुद्दा ये है कि मंगल गायब है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आगे बहुत कुछ हो रहा है, मंगल का गृह प्रवेश हो रहा है, और मैं यहाँ पे भी फिर से लाइन बोल रही हूँ कि ये सब कुछ मंगल की वजह से हुआ है, बिकॉज जैसे हमने पहले भी, जब वो 12 साल पहले शादी करके आई थी, तब मैंने ये बोला था कि तुम्हारे शुभ कदम हमें बड़े से घर में लेके जाएंगे, और आज मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि तुम्हारे शुभ कदम की वजह से और तुम्हारे पुण्यों की वजह से आज हम इतने बड़े घर में आए हैं। तो कलेश तो हुआ है, लेकिन निर्विघ्न बहुत अच्छी तरह से गृह प्रवेश हुआ है, और मेरी बहू ने अच्छे से सारी पूजा की है, है ना, सच में बहुत मजे से। ये दिन का इंतजार तो हमें सालों से था, हम लोग रेंट के घर में रह रहे थे, और फाइनली 12 साल बाद हम लोग इस घर में आए हैं। और कभी 12 बोलते कि 15, हाँ ठक्कर मार के जाते हैं मस्त। वही तो, कितने जोर से ऐसे धक्का मार के, मतलब धक्का कौन मारता है? आदित, वो मजा आता है कि आदित अपने कैरेक्टर में, मतलब कि मजे ना, मतलब ऑडियंस को भी तभी मजा आता है जब वो कुछ करते हैं, तो क्योंकि देखो वो ऐसा करते हैं तो मंगल को सिंपैथी मिलती है, तो वो उनको अपनी हरकतें चालू रहने, तो मेरी मुझे सिंपैथी देते रहो। सही है, और बहुत अच्छा लगता है जब ये बात बोली जाए कि मंगल ने, मंगल के लिए वो ये है कि हाँ हो गया, वो गलती से हो गया होगा। हाँ, ये बेचारी हर चीज को इस तरह से लेती है कि गलती से हो गया, चल बस, शी इज सो पॉजिटिव, शी इज सो पॉजिटिव, सो इनोसेंट, किसी के ऊपर शक नहीं, किसी के ऊपर कोई, निके निके बच्चे हैं मेरे, मैं इंडिपेंडेंट, ओह माय गॉड, मैं बेचारी नारी, आदित्य ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अम्मा कम ऑन, अम्मा नहीं निकालने देगी, ऐसे कैसे निकाल देगा, हमारी पसंद है, हम लाए हैं, निकालने के लिए थोड़ी लाए हैं। बहुत गुस्से में रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं है। नहीं नहीं, एक एक पैसा जोड़ के मंगल ने ये घर बनाया है, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं की है, मैंने उन सेविंग में थोड़ा हेल्प किया है, मैंने अच्छी साड़ियां नहीं पहनी, हां अच्छी साड़ियां नहीं पहनी, में पैसा नहीं खर्च किया मैंने, सेव, फिजूल खर्ची नहीं की, जो आजकल की औरतें करती है, किटी पार्टी ये वो, पता नहीं क्या क्या, आजकल की औरतें मतलब अम्मी है, पर हम ऐसा नहीं करते, हम शूटिंग ही करते हैं, तो हम लोग तो पैसे कमाते हैं, तो यस, और सबको एंटरटेन करते हैं सबसे बड़ी बात, और अच्छे मैसेज देते हैं। जो 12 साल में आदित्य जी ने आज घर खरीदा है, अगर मंगल सेव नहीं करती तो 25 साल में खरीदा पड़ जाता उनको। बस तो सोचो 10 साल बचा लिए, बचा लिए मैंने, इतना म्यूचुअल फंड भी नहीं देगा उनको जितना मैंने बचा, मतलब लोन के पैसे बचा लिए, बचा लिए, तो सोचो मंगल है तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ, तो मुझे हर चीज पॉजिटिवली लेनी है, क्योंकि जिसका कोई कहते ना सहारा नहीं होता, वो उसको बहुत समझ के चलना पड़ता है लाइफ में। मेरी जो मैटरनल फैमिली है, जो मंगल की मैटरनल फैमिली है, वो बहुत रिच नहीं है, मतलब वो एवरी डे लिविंग अपनी लाइफ के लिए, रात को खाना क्या बनेगा उस तक के लिए वहाँ पे कलेश रहते हैं, 2,000 रुपये के लिए आपने देखा है कि लक्ष्मी से कलेश रहते हैं, और लक्ष्मी वहाँ पे कमाती है, तो मंगल सोच भी नहीं सकती, मंगल को लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा बनी है, उसके बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उसकी उसको कहीं खाने के कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मंगल फील्स ब्लेस्ड एंड शी इज़ ग्रेटफुल टू गॉड कि वो आदित्य जी की वाइफ बनी और कुसुम जी जैसी उसको सासु माँ मिली। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।